हेलो स्टूडेंट्स, A1 स्कूल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, ओके, is to be made, it is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet। देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बना लिए, इसके बाद इसका वैल्यूएशन पुट कर देंगे जो जो दिया हुआ है। लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। इसका वाइड बात करें तो 1.25 मीटर। हाइट का बात करें तो 0.65 मीटर, ओके 0.65 मीटर। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट में पूछा गया द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। ऊपर से ये पूरा खाली है, सिर्फ ये बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट लेंथ जो कि एल इक्वल टू क्या है 1.5 मीटर। अगर बी का बात करें तो 1.25, ओके 1.25 मीटर। इसी में अगर हाइट का बात करें तो 0.65 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ओके। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में 2 into LH प्लस 2 BH प्लस LB। ये फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। अब हम लोग यह लिखेंगे 2 LB कितना है 1.5 इंटू 0.65। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर लिखिए 2 into B कितना है 1.25 इंटू H जो है 0.65। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्लस इसके बाद लिखना है 1.5 इंटू 1.25। ये ओवरऑल जो आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, ओके यूनिट भी लिख देना है। तो हम लोग करेंगे क्या, 2 को सबसे पहले इसको इंटू करेंगे, तो एक एक करके आप देखते जाइए। इसके साथ इंटू जब भी करेंगे तो आएगा 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875, ओके। इसके बाद बाहर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर, यूनिट हमेशा लिखना है। इसके बाद अगर इसको इंटू कर देते हैं, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ओके। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का बात करते हैं, देखिए फर्स्ट का ही सेकंड का बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट का आंसर था, ओके। अगर सेकंड का बात करें तो सेकंड में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है 20 रुपीज है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीट पर मीटर स्क्वायर एरिया, ओके कितना है 20 रुपीज। इसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीट ऑफ 5 पॉइंट जो ये हमारा आया था 5.45
मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 5.45 × 20, तो ओवरऑल क्या हो गया 190 और एक जीरो, एक पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ओवरऑल हो गया 109 इतना रुपीस मतलब लगेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। सेकंड हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का बात करें। देखिए क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर। देखिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग, लेंथ क्या है 5 मीटर, ब्रेथ जो इसका है 4 मीटर और हाइट जो है 3 मीटर। ये बना लिए। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द कॉस्ट रेट 7 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इट इज गिवेन दैट लेंथ इक्वल टू क्या है इतना और बी इक्वल टू 4 मीटर और एच इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ तक लिख लिए। यहाँ नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फोर वॉल एंड द सेलिंग ओके ऑफ द रूम आर टू बी वाइट वॉश्ड, द फ्लोर ऑफ द रूम इज नॉट बी वाइट वॉश्ड। देखिए जब भी रूम को वाइट वॉश्ड कीजिएगा, इसमें पेंटिंग कीजिएगा, तो चारों तरफ दीवार में होगा और नीचे फ्लोर में नहीं होगा। ओके, तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सेलिंग ऑफ रूम। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 2LH + 2BH + 1+LB। ओके, तो L क्या है लेंथ हो गया, B क्या हो गया ब्रेथ। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 2 × 5 × 3 + 2 × B कितना है 4, एच कितना है 3 और एल कितना है 5, बी क्या है 4। ओवरऑल इसमें जो है मीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये तीनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 30, इसके बाद इसको इंटू कीजिए तो हो जाएगा 24। इसी तरह करके आप इसको इंटू कीजिए तो हो जाएगा 20, बाहर में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, देखिए 5074 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कितना कॉस्ट पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर एरिया कितना लग रहा है 7.5, तो हम लोग इसके साथ इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ और एक सेंटेंस लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर एरिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ 7.50 × 74। इसको जब भी इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 555 रुपीस। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करें तो देखिए क्वेश्चन है,
द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर और जो है 50,000 लग रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेंथ लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर एल बी और एच तो पता ही है. तो यहाँ लिखेंगे एरिया. देखिए एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट. अब सिमिलरली इसी में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल हो जाएगा 2LH प्लस 2BH. देखिए इसको जब भी बनाएंगे इसको फिगर बना लेते हैं, इससे क्या होगा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा. क्यूबॉइड बन गया. अब देखिए ये L है, ये B है और H. एरिया ऑफ फोर वॉल देखिए ये L, यहाँ से यहाँ L हो गया. ओके यहाँ से यहाँ H हो गया. तो ये दो को एक इस साइड वाला है, एक फ्रंट साइड वाला है, एक बैक साइड वाला है, इसलिए 2LH लिखे. अब देखिए 2BH तो एक देखिए B और यहाँ H, तो इस एक इस साइड वाला सरफेस लिए यहाँ और एक इस साइड वाला, इसलिए मैंने 2BH लिखा. सिमिलरली इसको करेंगे 2, देखिए H यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो L प्लस बी इंटू एच यहाँ तक लिख लिए. नेक्स्ट लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल तो जगह 2 इंटू एल प्लस बी. ओके इक्वल टू हो जाएगा, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 250 मीटर. यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच जो हमने यहाँ लिखा था. तो इक्वल टू क्या दिया हुआ है 250 मीटर. तो सिमिलरली हम लोग यहाँ कर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कितना कॉस्ट लग रहा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर के रेट से. ओके तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250 मीटर स्क्वायर. इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 250 एच हाइट है एच इक्वल टू इंटू 10 हो गया 2500 एच. अब सिमिलरली यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ई एच एच तो यहाँ से कट जाएगा. ओके तो सिमिलरली इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं However, it is given the cost painting walls इतना. ओके यहाँ H इक्वल टू 6 यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर. ओके ये आपका question number 3 कंप्लीट हुआ. question number 4 का बात करें, क्वेश्चन है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट
एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ में ब्रिक ऑफ डायमेंशन, देखिए दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे 2 L क्या है 22.5। ओके, इसके बाद इसी तरह करके आप देखिए इंटू 10 प्लस B क्या है 10 इंटू 7.5 प्लस H है 7.5 इंटू L का बात करें 22.5। ओके, इसमें जो है इसके बाद इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इंटू करेंगे ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो सिर्फ इसमें बढ़ जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा 225 प्लस 75 प्लस 168.75। ओके, इसके बाद यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे 2 इंटू, अब सबको ऐड कर देंगे 4.2 इंटू 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको इसके साथ इंटू कर देंगे 2 के साथ तो हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट एन ब्रिक कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ कंटेनर, लैंग्वेज लिख देते हैं लेट एन ब्रिक कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ कंटेनर। ओके, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ एन ब्रिक, अब बहुत सारा ब्रिक्स का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो एन इंटू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 937.5 एन सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर, लिखेंगे 9.375 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतना आएगा। ओके, फिर इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दे क्या हो जाएगा 9.3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग एन जो है ऑलरेडी यहाँ देखिए ये हमने निकाला था, तो यहाँ लिखेंगे 93750 इक्वल टू ये नंबर 937.5 एन। ओके, एन तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा,
अब देखिए 9375 और ये कम्प्लीटली कट गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 100 आ गया ही। अब यहाँ लिख देंगे, देयरफोर 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ कंटेनर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4।